जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में आतंकवादियों की ओर से शेरबाग पुलिस स्टेशन के नजदीक हुए ग्रेनेड हमले में चार नागरिक और सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ है। मोगा के कस्बा बंदनी के गांव कूसा में एक निजी बस के पलटने से आठ बच्चे मामूली रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल बच्चों का प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर गुस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में एक अन्य दोषी राजीव सक्सेना को आज विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार के सामने पेश किया जाएगा। पूर्व सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डीजी के तौर पर नियुक्त किए जाने की चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। संसद में संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जनधन योजना की वजह से आज देश में 34 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं और देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गया है। एम नागेश्वर राव की सीबीआई के अंतरिम निदेशक के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई में अब जस्टिस एनवी रमना ने भी खुद को अलग कर लिया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज चौथा वनडे मैच हैमिल्टन में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया को 8 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। समाना की एक फैक्ट्री में काम करने वाली 18 वर्षीय एक लड़की रागिनी ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। टीवी क्वीन एकता कपूर सरोगेसी के जरिए मां बन गई है। 27 जनवरी को उनके घर बेबी बॉय का जन्म हुआ। कोहरे और खराब विजिबिलिटी की वजह से हर रोज यातायात पर बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली में भी कोहरे और खराब विजिबिलिटी के कारण 10 ट्रेनों को देरी से चलाया जा रहा है।